जय माता दी। या देवी सर्वभूतेषु मां चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य 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 नमो नमः। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है और नवरात्रि के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं में बताया गया है कि मां चंद्रघंटा को अलौकिक शक्तियां प्रदान करने वाली देवी माना गया है। मां चंद्रघंटा के शरीर का रंग सोने की तरह चमकता है। इनकी 10 भुजाएं हैं और 10ों भुजाओं में अस्त्र शस्त्र हैं। देवी के हाथों में कमल, धनुष, बाण, कमंडल, तलवार, त्रिशूल और गदा जैसे अस्त्र धारण किए हुए हैं। मां चंद्रघंटा शेर की सवारी करती हैं और इनके माथे पर घंटे के आकार का आधा चंद्र विराजमान है, जिस वजह से इन्हें मां चंद्रघंटा कहा जाता है। मां का स्वरूप शांतिदायक और कल्याणकारी है। मां चंद्रघंटा की पूजा कैसे की जाती है? माता चंद्रघंटा अपने सच्चे भक्तों को इस लोक और परलोक में कल्याण प्रदान करती है और भगवती अपने दोनों हाथों से साधकों को लंबी आयु, सुख, संपदा और रोगों से मुक्त होने का वरदान देती है। वैदिक एवं सप्तशती मंत्रों द्वारा मां चंद्रघंटा सहित समस्त स्थापित देवताओं की पूजा करें। नवरात्र के तीसरे दिन मां चंद्रघंटा को गंगा जल, दूध, दही, घी और शहद से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें सजाते हैं, फिर फूल, दुर्वा, अक्षत, गुलाब, लौंग और कपूर से मां की पूजा की जाती है। उसके बाद व्रत का संकल्प लें। मां चंद्रघंटा के मंत्रों के साथ उनकी पूजा अर्चना शुरू की जाती है। अंत में मिष्ठान और फल का चढ़ावा चढ़ाकर पूजा को संपन्न करें और उनकी आरती करें। माता चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालुओं को लाल रंग के कपड़े पहनकर मां की विधि विधान के साथ पूजा करनी चाहिए और मां को सफेद वस्तुओं जैसे दूध या दूध से बनी किसी भी चीज का सेवन कराना चाहिए और खरीद कर उन्हें भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा शहद का भी भोग लगा सकते हैं। भोग चढ़ाने के दौरान और मंत्र पढ़ते वक्त मंदिर की घंटी जरूर बजाएं, क्योंकि मां चंद्रघंटा की पूजा में घंटे का बहुत महत्व माना गया है। कहते हैं कि घंटे की ध्वनि से मां चंद्रघंटा अपने भक्तों पर हमेशा अपनी कृपा बरसाती हैं। मां चंद्रघंटा के पूजा करने का महत्व। मां चंद्रघंटा की पूजा पूरे विधि विधान से करने पर भय दूर होता है और साहस की प्राप्ति होती है। मां चंद्रघंटा तंत्र साधना में मणिपुर चक्र को नियंत्रित करती हैं और ज्योतिष में इसका संबंध मंगल ग्रह से होता है। माता की पूजा से मुख, नेत्र और सभी कार्य सही होने लगते हैं। व्यक्ति के स्वर में बदलाव आने लगता है। जो व्यक्ति मां चंद्रघंटा की श्रद्धा भाव से पूजा करता है, उसे सुख और शांति प्राप्त होती है। माता का व्रत करने से इनकी कृपा बनी रहती है और सारे दुख एवं बाधाएं दूर हो जाती हैं। मां चंद्रघंटा की पूजा करते हुए और व्रत रखते हुए किन बातों का ध्यान रखते हैं, आइए आपको बताते हैं। माता को लाल चुन्नी, लाल चंदन और लाल पुष्प जरूर चढ़ाएं। इससे माता जल्दी प्रसन्न होगी और मन चाही इच्छा को पूरा करेगी। माता को पीले गुलाब और सफेद कमल की माला अवश्य पहनाएं। मां चंद्रघंटा को प्रसन्न करने के लिए पूजा के वक्त घंटा और ढोल नगाड़े जरूर बजवाएं। अगर इस दिन कुछ अद्भुत होने की अनुभूति होती है तो फिर उस पर ध्यान न देकर आगे की साधना आरंभ करें। मां चंद्रघंटा को दूध या दूध से बने मिष्ठानों का भोग लगाने चाहिए और गुड़ एवं लाल सेब चढ़ाने चाहिए, क्योंकि ये माता को बहुत प्रिय है। माँ को भोग लगाने के बाद खुद भी भोग ग्रहण करें और दूसरों को भी दें। इससे वर्तमान में चल रहे सारे दुख दूर हो जाएंगे। जय माता दी।